नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। सबसे पहले एक शुभ समाचार से आपको अवगत करवाते हैं कि केबी न्यूज 24/7 के दर्शकों के अपार प्रेम और हमारे चैनल को देखने और पसंद करने के कारण यूट्यूब पर केबी न्यूज 24/7 के 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इस उपलब्धि में आप सभी दर्शकों का योगदान है। इस शुभ अवसर पर केपी न्यूज आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता है और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ने और हमारे चैनल को पसंद करने का आग्रह करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सिंगारबाग में स्थित फ्रूट मार्केट में बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनने पर उनका किया गया सम्मान। अमलापुर ग्राम में दलित समुदाय की ओर से डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान का किया गया सम्मान। रविवार के शाम को बीदर में हुई तेज बारिश से सड़कों पर भर गया गंदा पानी। सीएमसी विभाग और जिला प्रशासन की खुली पोल। कर्नाटक में उम्मीदवार ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र येडियुरप्पा ने कही यह बात। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी। समाचार विस्तार से। आज सोमवार 18 मार्च को बीदर के सिंगारबाग में स्थित फ्रूट मार्केट के अल्हास मोहम्मद नासिर सेठ की ओर से बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनने पर फिरोज खान का शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर अल्हास मोहम्मद नासिर सेठ के अलावा मोहम्मद शाकिर, क्वारी मोहम्मद यासिर खान के अलावा फ्रूट मार्केट के होलसेल डीलर्स और अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर फिरोज खान को उनके चेयरमैन बनने पर बधाई दी गई। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने उनका सम्मान करने पर सभी का धन्यवाद किया। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। आज सोमवार 18 मार्च को बीदर के समीप स्थित अमलापुर ग्राम में बीदर के युवा नेता एवं डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान ने दौरा किया। यहां पर दलित समुदाय के स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां पर मोहम्मद फिरोज खान के वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने पर प्रसन्नता जताते हुए उनको शाल और फूल माला पहनाकर सम्मान किया और बधाई दी। इन लोगों ने मोहम्मद फिरोज खान को अगले एमएलए के रूप में देखने की इच्छा जताई। इस अवसर पर क्वारी यासिर खान के अलावा स्थानीय लोगों में राहुल जानसर, राजू सिन्हा, सचिन सागर और राकेश के अलावा अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने उन सभी ग्रामीणों का धन्यवाद किया। केबी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। बीदर जिले युवा नेता नम फिरोज खान साहब वक्बोर्ड डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सीट आय्के कारण अमलापुर ग्राम के ना शालू सन्मान कड़ेदी ना इली अमलापुर के कर्सदे अद कारण साबरी तुम्बा धन्यवाद। जे भीम इवत वक्बोर्ड डिस्ट्रिक्ट वक्बोर्ड फिरोज खान एम डी फिरोज खान चेयरमैन आगे अब नम्बर संतोष ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 45 ಏಜ್ಲಿಂದ ಆ ನಂತರೇ ವಕ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸಣ್ಣವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರೋ ಎಮ್ ಎಲ್ಎಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಕಳೆ ಕಳಿ ಸರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಿಂದಿರಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೊಂದು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂದ್ರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. रविवार 18 मार्च की शाम को बीदर में गरज के साथ तेज बारिश हुई। लगभग 3 घंटों तक इस तेज बारिश ने सीएमसी विभाग और जिला प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। शहर की सड़कों पर ड्रेनेज का गंदा पानी दिखाई दे रहा था। 3 घंटों तक जारी रही इस बारिश के दौरान कई घंटों तक बिजली बंद रही और यह हर बार की समस्या है। जरा सी बारिश से कई घंटों तक बिजली बंद हो जाती है, जिसके कारण जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आइए इस संबंध में देखते हैं केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की विशेष रिपोर्ट। जैसे कि इन तस्वीरों में देखने से पता चल रहा है कि बीदर के पुराने शहर में मुस्लिम चौक के समीप मोहर गार्डन फंक्शन हॉल के समीप एक कब्रिस्तान में ड्रेनेज का गंदा पानी कब्रों में उतर रहा है। इसके आसपास के इलाकों में कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। हालांकि रमजान के आगमन के पहले से सीएमसी कमिश्नर से यह अपील की गई थी कि रमजान से पहले शहर के सभी ड्रेनेज की सफाई की जाए, परंतु कल की बारिश ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और सीएमसी विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है।
अब इसे बीदर की बदकिस्मती ही माना जाए, जबकि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर खुद बीदर से है। 2.5 वर्ष के बाद नगर सभा अध्यक्ष बनाया गया है। कई वादे किए गए थे कि शहर को चमका दिया जाएगा, विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु पद मिलने के बाद नगर सभा के जिम्मेदार लोगों की समस्याओं को दूर करने के बजाय दुकानों के उद्घाटन करने, खाते और म्यूटेशन बनाने में व्यस्त है। इसमें कहीं न कहीं नगर सभा के काउंसलर भी जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा पहली बार देखा गया है कि बीदर नगर सभा में AIMIM और BJP का मिलाप देखने को मिला, और यह प्रश्न उठाते रहते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। चुनाव सर पर है, अब देखना यह है कि सरकारी डेवलपमेंट के नाम पर वोट लेंगे या गारंटियों के नाम पर। बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान को डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने की प्रसन्नता जताते हुए हुमनाबाद के समाजसेवी एवं एडवोकेट सलमान अली एम ने मोहम्मद फिरोज खान को बधाई दी है। मैं सलमान अली एम हुमनाबाद, बीदर जिला एडवाइजरी वक्फ बोर्ड कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है फिरोज खान जी, सन ऑफ अयास खान जी को। वो बीदर के यूथ लीडर्स में से एक हैं, बहुत एक्टिव लीडर हैं। माशाल्लाह कर्नाटक गवर्नमेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया है वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बीदर। मैं हुमनाबाद में भी उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, मैं उन सभी लोगों की तरफ से और मेरे तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह आने वाले दिनों में आप अच्छा वर्क करेंगे, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को सिक्योर करेंगे, बल्कि मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं समाचार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PY विजयेंद्र येडियुरप्पा ने रविवार को कहा कि राज्य में सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस को अपना उम्मीदवार ढूंढने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर में व्याप्त लोकप्रियता के कारण हो रहा है। विजेंद्र ने कहा, कांग्रेस पार्टी के राज्य में सत्ता में होने के बावजूद उसे किसी भी लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं। वे अपने मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसीलिए कांग्रेस को कर्नाटक में उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो रहा। उन्होंने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करेंगे। सांसद VY राघवेंद्र चौथी बार चुनाव लड़ेंगे, हमें विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री की उपस्थिति शिवमोग्गा लोकसभा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार को और बढ़ावा देगी। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य BS येडियुरप्पा ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं मिलने पर बगावत करने वालों से बातचीत चल रही है, एक दो दिनों में सब ठीक हो जाएगा। शहर के हवाई अड्डों पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए येडियुरप्पा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ईश्वरप्पा समेत बागियों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में कोई मतभेद नहीं है, चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है, इसको लेकर हमने चुनाव की तैयारियां भी कर ली है। पूरे देश में भाजपा समर्थक लहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को देश में 400 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पक्का है। हमारा राय से 25 से 26 सीटें जीतकर मोदी के लिए योगदान देंगे। मोदी ने SC ST पिछड़ा वर्ग और युवाओं पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी से ही सभी नेता सभी हिस्सों का दौरा करेंगे और चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष PY विजयेंद्र ने केंद्रीय नेताओं पर भरोसा जताया कि वे अनुभवी भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा के मुद्दे को सुलझा लेंगे। ईश्वरप्पा ने लोकसभा क्षेत्र शिवमोग्गा में पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र के खिलाफ एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोमवार को यहां मीडिया कर्मियों से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि येडियुरप्पा के परिवार के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, येडियुरप्पा ने राज्य भर में साइकिल चलाकर पार्टी को खड़ा करने के लिए संघर्ष किया था, उनके प्रयासों के बाद भाजपा आज राज्य में मजबूत पार्टी बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर
इंडिया अलायंस और खास तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने तेलंगाना में एक रैली के दौरान कहा कि विपक्षी पार्टियां ने ऐलान किया है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हमारे देश में हर माँ और हर बेटी ही शक्ति का रूप है। मेरी प्यारी माताएं और बहनों में शक्ति के रूप में आपकी पूजा करता हूँ। मैं भारत माँ का भी पुजारी हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वह शक्ति को खत्म करना चाहते हैं। मैं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं देश की माँ बहनों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि हर बीतते दिन के साथ बीजेपी को लेकर तेलंगाना में समर्थन बढ़ता जा रहा है। आज आलम कुछ ऐसा है कि पूरा देश कह रहा है कि 4 जून को एनडीए 400 के पार होगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस पार्टी ने तेलंगाना को एक एटीएम राज्य बनाकर छोड़ दिया है। यहां का सारा पैसा पहले दिल्ली जाता था। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते समाचार। बेंगलुरु में सिद्धन्ना लेआउट के पास कल शाम आजान के समय कुछ लोगों और एक दुकानदार के बीच उस समय बहस हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। बता दें कि आजान के समय जब दुकानदार ने जोर से गाना बजाना शुरू किया तो कुछ मुस्लिम युवकों ने उनसे सवाल किया और बहस शुरू हो गई, जिसके बाद उन्होंने दुकानदार को पीटा। ईरान की फैजा और मुरादाबाद के यूट्यूबर दिवाकर कुमार दोनों अलग अलग धर्म से होने के बावजूद इंटरनेट के माध्यम से दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। फैजा अपने पिता को साथ लेकर दिवाकर कुमार से मिलने के लिए 30 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई और दोनों परिवारों की रजामंदी से 2 दिन पूर्व सगाई कर ली। वहीं दिवाकर कुमार का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही वो लोग जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे। मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी निवासी यूट्यूबर दिवाकर कुमार ने बताया कि फैजा से उसकी दोस्ती इंटरनेट के माध्यम से हुई थी और उनके इस रिलेशन को लगभग 3 साल हो चुके हैं और वह फैजा से मिलने के लिए ईरान गया था। वहां रहा और उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं। फैजा के परिवार की सहमति से ही वो लोग भारत आए और 2 दिन पहले पूरे रीति रिवाज से सगाई का कार्यक्रम संपन्न हो गया। क्योंकि 2 देशों के बीच का मामला है, इसीलिए पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों शादी कर लेंगे। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वासी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सिंगारबाग में स्थित फ्रूट मार्केट में बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनने पर उनका किया गया सम्मान। अमलापुर ग्राम में दलित समुदाय की ओर से डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान का किया गया सम्मान। रविवार की शाम को बीदर में हुई तेज बारिश से सड़कों पर भर गया गंदा पानी, सीएमसी विभाग और जिला प्रशासन की खुली पोल। कर्नाटक में उम्मीदवार ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है कांग्रेस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयन येडियुरप्पा ने कही यह बात। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।